रामू एक छोटा सा किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो मेहनत से खेती करता था। उसके गांव में कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, ना ही उसके पास नए यंत्र थे, लेकिन रामू का दिल बहुत बड़ा था। उसका सपना था कि उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हो और वो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर सके। रामू हर साल फसल बोता था, लेकिन मौसम की मार, कीड़े मकोड़े और कभी कभी बाढ़ की वजह से उसकी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती थी। साल दर साल हर बार वो नई उम्मीद के साथ शुरू करता, लेकिन नतीजा हमेशा वही रहता, निराशा और नुकसान। पर इस बार कुछ अलग था। रामू ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, इस साल वो हार नहीं मानेगा। उसने और भी ज्यादा मेहनत की, दिन रात खेतों में पसीना बहाया। उसने गांव के बुजुर्गों से पुराने तरीकों और अपने दोस्तों से नए तरीकों के बारे में जानकारियां ली और उन्हें अपनाया। लेकिन जब फसल पकने का समय आया तो अचानक से गांव में सूखा पड़ गया। हफ्तों तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई और रामू की मेहनत धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी। गांव के कई किसान हार मानकर बैठ गए, लेकिन रामू का हौसला अब भी मजबूत था। रामू ने अपने खेत को बचाने के लिए सब कुछ किया। उसने रात दिन पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की। हर सुबह वो सूरज के साथ उठता और कुएं से पानी लाकर खेतों में डालता। लोग कहते, रामू क्यों बेकार की मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू ने कहा, अगर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया तो सच में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहूं तो शायद कुछ बदल जाए। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे रामू की फसल फिर से हरी भरी होने लगी। उसके पास पानी कम था, लेकिन उसकी मेहनत की वजह से फसल जिंदा थी। और जब बाकी किसानों की फसलें सूख गईं, रामू की फसल तैयार खड़ी थी। रामू ने उस साल न केवल अपनी फसल को बचाया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से कैसे परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। उसके इस जज्बे की वजह से उसका नाम पूरे गांव में हो गया। आज भी लोग रामू की कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि जब तक कोई हिम्मत नहीं हारता, तब तक कोई हार नहीं होती। रामू ने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और मेहनत से जुटे रहें तो सफलता जरूर मिलती है।